हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक लेटर तेज़ी से वायरल हो रहा है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख डेट भी देख सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं, क्या है ये लेटर। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय में कि ये जो है 12,489 पदों से संबंधित है। और बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि एक जो लेटर वायरल हो रहा है, क्या वो नई भर्ती के संबंध में है। तो ये नई भर्ती के संबंध में बिल्कुल नहीं है। फिर है ये किसकी। ठीक है, यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा नोट शीट में एक ही संवर्ग हेतु प्रस्ताव दें, सभी भर्तियाँ एक ही संवर्ग में क्यों नहीं दी जा सकती, ये टिप अंकित की गई है। तो इस संदर्भ में विस्तृत प्रस्ताव अभिमत सहित उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो आपने जो है शिक्षा मंत्री महोदय का वक्तव्य भी आपने सुना होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पर मंत्री जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि ERT संवर्ग को एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए। ठीक है, उसी के संबंध में इसको जारी किया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। उक्त पत्र द्वारा ई संवर्ग के पदों को टी संवर्ग में परिवर्तित किए जाने के संबंध में आपके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। ठीक है, तो ये जो है मंत्रियों के द्वारा ये जो है प्रस्ताव भेजा जा रहा है। और मंत्री जी के जो उन्होंने एक वीडियो में कहा हुआ था, उसी के परिपालन में ये हो सकता है कि इस लेटर को जारी किया गया हो। और यहाँ पर यही बताया गया है कि आपके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। तो जो ई संवर्ग है वो निकट भविष्य में अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो ई संवर्ग और टी संवर्ग को एक साथ जोड़ करके जो है वैकेंसी लाई जा सकती है। और यहाँ पर जो है यही पूछा गया है कि सभी भर्तियाँ एक ही संवर्ग में क्यों नहीं दी जा सकती। तो हो सकता है कि जो आगे आने वाली जो भर्ती होगी उसमें आपको अलग अलग ई और टी संवर्ग के लिए अलग अलग वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, अलग अलग नंबर्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे। दोनों को एक साथ मिला करके एक साथ जो है उसकी भर्ती ली जाएगी। ठीक है, यानी कि अब ई संवर्ग और टी संवर्ग में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार के लिए इसको जारी किया गया है। और ये नई वैकेंसी से संबंधित नहीं है, ये 12,489 पदों की भर्ती से संबंधित इसको फिलहाल किया गया है। तो ये भी हो सकता है कि जल्द से जल्द जो नई वैकेंसी आएगी उसमें भी ERT संवर्ग उसमें अलग अलग नहीं रखा जाएगा। तो ये फिलहाल नई भर्ती के बारे में ये लेटर नहीं है, ये पुरानी भर्ती 12,489 के बारे में है। और जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है या नई भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई अपडेट निकल करके नहीं आई है कि नई भर्तियों की ओर जो है सरकार कदम बढ़ा रही है, लेकिन जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को श्योरली जो है ये सूचना वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।